देखिए, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो डिप्लोमा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली इसको देखेंगे, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आपके लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत है। इसे आप इस प्रकार से समझें कि देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट कोड है 1001, यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसका जो पहला यूनिट है वो है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। मैं आपको जो क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूँ, उसमें पहले किसी भी यूनिट के लिए शॉर्ट के अंदर सारी बातें समझाई जाएंगी। उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं वेटेज के हिसाब से, 1 मार्क क्वेश्चन, 2.5 मार्क क्वेश्चंस एंड देन 10 मार्क्स क्वेश्चन, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए इसको कैसे करें शुरुआत। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, उसका जो पहला पॉइंट है, हमको ये समझना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। मैं बहुत बेसिक ही ले रहा हूं, और हर स्टूडेंट को एक बार देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। ये कोई न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो इसको हम कहते हैं आधार, यानी बेस। इसे कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। मैं इसको जेड कह रहा हूं। मैंने आधार को यानी बेस को एक्स कहा, परपेंडिकुलर को यानी लंब को वाई कहा, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण को जेड कहा। तो जो फॉर्मूले हैं, जो आप क्लास 9 10 में पढ़ते आए हो, सबसे पहला है साइन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, यानी कि वाई बटा जेड। दूसरा होता है कॉस थीटा, वो था आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स अपॉन जेड। तीसरा होता है टेन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वाई अपॉन एक्स। ये तीन आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फिर इनके होते हैं रेसिप्रोकल। अगर हम कहें कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम कहेंगे कोसेक थीटा। ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब होता है कोस का रेसिप्रोकल, ये होता है सेक थीटा। ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा का होता है रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो कोट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कोट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और साइन थीटा का कोसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इनको आपस में गुणा करें, इनको साइन थीटा को कोसेक थीटा से, कोस थीटा को सेक थीटा से, टेन थीटा को कॉट थीटा से, कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए कैसे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने समझाया, वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कई बच्चे जो 10th पास कर गए हैं, काफी कमजोर है, तो उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो आपको याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं,
हम शॉर्ट में पूरी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आप अपना शेड्यूल बना लें और उसके हिसाब से पढ़ाई करें, वीडियो पूरा देखें। देखिए बेसिकली इसमें जो होती है पहली, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी जो होती है वो होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये सब आपको याद रखना है। और जो तीसरी होती है वो होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अब ये जो है ये वाली और ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, इसको अपन अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझको इसमें साइन थीटा निकालना है तो मैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। कॉस थीटा निकालना है तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। आपको सेक थीटा निकालना है तो अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। तो चला जाएगा नहीं, टेन थीटा निकालना है तो चला जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। इसको देखिए आप, अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है ये तो चला जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा निकालना है ये तो चला जाएगा इधर आ जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मैं जितने भी चीजें आपको लिखवा रहा हूं ये सब आपको याद रखनी है। कारण क्या, हम जब जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, बेसिकली चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका पेज नंबर वन है, तो ये मैंने बेसिक आइडेंटिटी लिखी है। पेज नंबर टू, एक और होती है बेसिक आइडेंटिटी, वो ये होती है कि नंबर चार कह सकते हैं इसको अपन, ये होती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और पांच भी कह सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये मैंने नंबर दो बात खत्म कर दी। नंबर एक बात मैंने क्या लिखी थी कि भाई अलग अलग रेशियोज क्या क्या होते हैं, दूसरी बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जो हम तीसरी बात करेंगे जो आपको ध्यान होनी ही चाहिए, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, आपने क्लास टेन में पढ़े होंगे जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे साइन, यहाँ कहूँ मैं कॉस, यहाँ कहूँ मैं टेन, यहाँ कहूँ मैं कॉट, यहाँ कहूँ मैं सेक, और यहां कहूं मैं कोसेक, यहां लिख दूं मैं जीरो डिग्री, यहां लिख दूं मैं तीस डिग्री, यहां लिख दूं मैं पैंतालीस डिग्री, यहां लिख दूं मैं साठ डिग्री, और यहां लिख दूं मैं नब्बे डिग्री। तो ये सब रेशियो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मैं लाइनें खींच देता हूं। देखिए मैं जिस प्रकार से कर रहा हूं ना, आप वापस उसको उसी प्रकार से अगर लिखेंगे और याद करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं कोई लिखा लिखा है नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खुद आपके सामने काम कर रहा हूं ताकि आपको इसका अभ्यास हो सके, जो कि बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे साइन जीरो डिग्री जीरो होता है, साइन थर्टी वन बाय टू होता है, साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू होता है, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाय टू होता है, और साइन नाइनटी वन होता है। अब कॉस में क्या है, आपको याद करने का तरीका बता दो, उल्टा लिख दो, जो वन था ना एंड में वो पहले आ जाएगा। कॉस जीरो वन होता है, कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू होता है, कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू होता है, कॉस सिक्सटी वन बाय टू होता है, कॉस नाइनटी जीरो होता है। टेन, टेन में क्या होता है, अभी आपको क्या बताया मैंने, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर
साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू को भाग लगा देंगे, टेन की वैल्यू आ जाएगी। जीरो में एक का भाग लगाएंगे जीरो आएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे दो दो कट जाएगा, वन बाय रूट सी आ जाएगा। इसमें इसका भाग लगाएंगे वन आ जाएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे ये नीचे वाले दो दो कट जाएंगे, रूट सी बाय वन यानी कि रूट सी आ जाएगा। और किसी भी ऐसी संख्या जो शून्य नहीं हो यानी जीरो नहीं हो उसमें जीरो का भाग लगाते हैं उसको कहते हैं इनफाइनाइट अनंत, ये होता है अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। अब कोट कोट में आसान है, जो टेन का लिखा ना उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। जैसे इनफाइनाइट बाद में आ रहा था ना, यहाँ पहले आ जाएगा, फिर ये रूट सी आ जाएगा, फिर ये वन आ जाएगा, फिर ये वन बाय रूट सी आ जाएगा, फिर ये जीरो आ जाएगा। सेक वैसे हम इसको एक और ढंग से कर सकते हैं कि कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, वन बाय रूट सी का रूट थ्री, वन का वन ही होता है, रूट सी का वन बाय रूट थ्री और इनफाइनाइट का जीरो होता है। सेक सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री बाय टू का टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का रूट टू, वन बाय टू का टू, जीरो का इनफाइनाइट। कोसेक किसका होता है, साइन का, जीरो का इनफाइनाइट, वन बाय टू का टू, वन बाय रूट टू का रूट टू, रूट थ्री बाय टू का टू बाय रूट थ्री, वन का वन। ये सब आपको ध्यान होने ही चाहिए क्योंकि हम जब कभी कोई सवाल करेंगे उसमें छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे आपको एकदम से कोई 1060 की वैल्यू पता करनी हो तो आपको ये रूट थ्री पता होना चाहिए। इसके बाद हम आपको समझाना चाहेंगे कि नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज नंबर थ्री हो गया। देखिए चलो ये इसी में आ जाएगा, ये इसी में आ जाएगा। कितने पॉइंट हो गए अब तक हमारे, दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा आइडेंटिटीज, और तीसरा पॉइंट था ये हमारी टेबल जो हमने बनाई अभी। नाउ चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट होता है क्वाड्रेंट, चौथा पॉइंट होता है क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश, चौथा अंश। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता है ग्राफ आपने बहुत बनाए छोटी कक्षाओं में। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये क्या होता है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ये होता है पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इस पे पॉजिटिव वैल्यू कब होती है और नेगेटिव कब होती है, ये जो ओरिजिन है ना इसके राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है। ये एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा पॉजिटिव राइट साइड में, नेगेटिव लेफ्ट साइड में, और वाई एक्सिस जो है वो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब आप देखें ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यानी हम कह सकते हैं ये प्लस कॉमा प्लस, दोनों प्लस। सेकंड देखिएगा, एक्स तो माइनस में आता है लेकिन वाई प्लस में आता है, तो माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स तो प्लस में आ रहा है लेकिन वाई माइनस में आ रहा है, तो प्लस कॉमा माइनस। ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए डेफिनेटली। कितने पॉइंट हो गए, चार। हम हर चीज को पॉइंट वाइज समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पांचवी चीज, पांचवी चीज ये है कि एंगल को नापने की पद्धतियां, कोणों को मापने की पद्धतियां, सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखिए हम जब क्रैश कोर्स कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई चीज छोड़ देंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फास्ट करेंगे एक बार ताकि
पूरा आपको समझ में आ जाए। पहले ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैं आपको क्रैश कोर्स समझाऊंगा, पूरी एक एक चीज समझाऊंगा पूरे कोर्स, एंड देन हम क्वेश्चन लेंगे 1 मार्क्स के, उसके बाद लेंगे 2.5 नंबर के, उसके बाद लेंगे 10 मार्क्स के, और ये काम बहुत तेजी से करेंगे। कोणों को नापने की पद्धतियां, तो 3 पद्धति होती है इसको नापने की। पहली कहलाती है शास्त्रिक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि एक समकोण यानी कि 1 राइट एंगल, समकोण कहते हैं राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, यानी हम एक राइट एंगल के 90 पार्ट्स करते हैं इक्वल, तो हर पार्ट को कहेंगे 1 डिग्री, तो एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। फिर कहेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है मिनट के लिए, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये कहलाती है शास्त्रिक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम। दूसरी जो इसमें पद्धति है उसे कहते हैं वृत्तीय प्रणाली, वृत्तीय प्रणाली, ये पद्धति कह दो, प्रणाली कह दो, पद्धति कह दो, एक ही बात है। इसे इंग्लिश कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इसमें एंगल की जो होती है यूनिट नापने की होती है रेडियन, हम कहते हैं कि 1 रेडियन पाई रेडियन, पाई रेडियन, 1 नहीं कहेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन आप इसको याद रखें, आप इतना तो एक आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन, हम किसको कहते हैं रेडियन एंगल। तो क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे कोई ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, जितनी इसकी रेडियस है ना आर, इतना ही हम आर्क लेंगे चाप, कितना चाप लेंगे, जितनी इस रेडियस की लेंथ है उतना इसका आर के लेंथ लेंगे और इसको मिला देंगे, ये भी आर है एक्चुअली, ये भी जैसे हमने इसको ओ है, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है चाप की लंबाई, ये भी आर लेंगे यानी रेडियस के बराबर, तो उस समय ये जो एंगल बनेगा इट इज 1, ऊपर सी लगा देते हैं, सी का मतलब रेडियन, देखिए हम लिखते हैं ना 1 सी, सी क्यों लगाते हैं कि रेडियन होता है सर्कुलर सिस्टम में, और सर्कुलर का पहला लेटर सी है, 1 सी को हम कहते हैं 1 रेडियन। तो ये एक रेडियन होता है, 1 सी को कहते हैं 1 रेडियन, और वो ये एंगल होता है, किसी सर्कल का आप उतना चाप लें जितनी की रेडियस है, तो वो चाप सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसको हम एक रेडियन कहते हैं, और पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरी जो पद्धति है इसके अंदर वो है शतांशक पद्धति, शतांशक। अच्छा मैं सब कुछ जो करा रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा रहा हूँ, आपके सिलेबस को मैं बिल्कुल भी ना तो कम करूंगा ना ज्यादा, कुछ ज्यादा इसलिए क्योंकि बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है, 9-10 क्लास की बात है, तो मैंने आपको शुरुआत में करा दी शतांशक पद्धति। इसे कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए उसमें क्या होता था कि हम एक राइट एंगल को 90 भागों में बांटते थे, हर भाग कहलाता था डिग्री, यहां क्या होगा कि एक समकोण यानी कि 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, इसके 100 भाग करते हैं 100 पार्ट्स, और हर पार्ट कहलाएगा ग्रेड, तो एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, फिर एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं,
और एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी मिनट है, इसको बोलते हैं 60 मिनट्स। ये वो टाइम का मिनट नहीं है, मिनट सेकंड वाला मिनट नहीं है, ये एंगल का मिनट है, इसे कहते हैं 60 सेकंड। यहां भी बोलेंगे इसको 100 मिनट, इसको बोलेंगे 100 सेकंड। लेकिन ये मिनट वो मिनट में फर्क है, वो उस पद्धति के अंदर है, ये इस पद्धति के अंदर है। इस तरह से हमने आपको बताया कि ये जो एंगल को नापने के लिए 3 सिस्टम होते हैं, सेक्सागेसिमल, सर्कुलर एंड सेंटेसिमल। पेज नंबर 4। इसके बाद में कितने पॉइंट हो गए हमारे अब तक? 5। नो, छठा पॉइंट, अगर हम कहें ये कोई आर्क है, किसी सर्कल की चाप, आर्क, ये रेडियस और ये थीटा और ये लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो आर इंटू थीटा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ सवालों में इसको काम में लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो एल है और आर है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई और रेडियस, ये एक ही यूनिट होती है, मान लीजिए मीटर में, तो मीटर लिख दिया। लेकिन जो थीटा है ये रेडियन में ही होना चाहिए। अगर थीटा डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? अभी हम आपको सिखा रहे हैं थोड़ी देर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर 7th पॉइंट, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, यानी आपको डिग्री कोण जो होता है उसको रेडियन में बदलना। तो हम कह सकते हैं कि थीटा डिग्री, कोई एंगल डिग्री में, थीटा डिग्री, उसको कहेंगे थीटा इनटू पाई बटा 180 कर देंगे, अब वो रेडियन बन गया। बस सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप, हम आपको कहते हैं कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब 60 इंटू पाई बटा 180 रेडियन। अब देखेंगे 60 दिया 180, तो हो गया पाई बटा 3 रेडियन। वेरी सिंपल। मान लीजिए हम कहते हैं कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 90 दूना 180, तो हो गया पाई बटा 2 रेडियन। तो इस तरह से आप किसी भी रेडियन एंगल को, सॉरी, किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8th, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, उल्टा करना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तब क्या करेंगे? तो लिखेंगे थीटा रेडियन, सी वन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 बटा पाई कर दो, नाउ इट इज इन डिग्रीज। कितना सिंपल बताइए, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 बटा पाई। बस वहां किया था पाई बटा 180, यहाँ किया 180 बटा पाई। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 2π/3 रेडियन, 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री? हम क्या करेंगे, पहले 2π/3 लिख देंगे इंटू 180 बटा पाई कर देंगे, ये डिग्री हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कट गया, हो जाएगा 60, और 60 दूना 120 डिग्री, आंसर आ गया। यानी कि 2π/3 रेडियन बराबर 120 डिग्री। अगर मान लीजिए आपको कभी करना पड़ जाए कि 5π रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री, तो 5π रेडियन, तो 5π लिख दो पहले तो, और इंटू 180 बटा पाई कर दो, ये हो गया आपकी डिग्री। पाई से पाई कट गया, 180 को 5 से गुणा कर दो, 18 × 5 = 90, 900 डिग्री हो गया, आंसर आ गया। देखिए मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। आप इसको दिन में 4 बार देखें, 2 बार देखें, 1 बार देखें, और अपने आप से नोट्स बनाएं। वैसे ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे,
और ये जो अच्छे से कर लेंगे तो अपन कोई भी सवाल कर पाएंगे, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 2.5 मार्क्स का हो, चाहे वो 10 मार्क्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको अभी हमने पढ़ाया पॉइंट नंबर 8। नाउ अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, पेज नंबर 5। तो अभी तक हमने ये एंगल को सीखा बदलना। अब देखेंगे कि ये जो घड़ी की सुइयां होती है ना, इनकी स्पीड क्या होती है। घड़ी की, ये कई बार सवाल आते हैं ऐसे, घड़ी की सुइयों की गति स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स, घड़ी की सुइयों की गति। देखिए घड़ी के अंदर 3 प्रकार की सुइयां होती है, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। सबसे धीमे चलती है घंटे की सुई, घंटे की सुई, इसको बोलते हैं आवर हैंड, HOUR HAND, आवर हैंड। सबसे धीमी चलती है ये, उससे थोड़ी तेज चलती है मिनट की सुई, लंबी वाली मिनट की सुई, इसे कहते हैं मिनट हैंड। और सबसे तेज दौड़ती है सेकंड की सुई, सेकंड की सुई यानी कि सेकंड्स हैंड, सबसे फास्ट होती है, आप जानते ही हैं। ये सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, और मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लग जाता है। जैसे सुबह 11 बजे मिनट की सुई 12 बजे होगी, तो 12 बजे भी वो 12 बजे बराबरी होगी। और ये सबसे स्लो होती है, तो आपको स्पीड इसकी याद रखना। आप अभी ज्यादा अपन समझेंगे नहीं, बेस में नहीं जाएंगे, आप इतना ध्यान रख लीजिए घंटे की सुई की गति होती है आधा डिग्री, कितना, आधा डिग्री प्रति मिनट। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है मिनट की सुई, 6 डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, और ये 360 डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर पूरा राउंड ले लेती है। बहुत सिंपल से याद करना, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मैं समझा सकता हूँ आधा डिग्री कहां से आया, लेकिन अभी इसको याद कर लो आप, आधा डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट, 360 डिग्री प्रति मिनट, ये आपके गति हो गई सुइयों की। इसके बाद आपको कई बार कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप जानते ही हैं रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। कुछ सवाल इसके एग्जाम में आ सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए अगर कोई ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर हम कोई 4 पॉइंट ले लें, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, और उनको मिला लें, ये बना आपका एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस, चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर है, यानी कि ऑल द फोर वर्टिसेस लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ए और सी, इनकी सम 180 होती है। अगर हम कहें एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली जो एंगल
डी और बी जो है इनको जोड़ दें, एंगल बी और एंगल डी, तो इसकी सम भी 180 डिग्री होती है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है जो हम काम में लेंगे कुछ सवाल को करने में, ध्यान दीजिएगा। बाकी तो कोई बड़ी बात इसमें होती नहीं है। कोई सा क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, हम कह सकते हैं कि इसको दसवें का पहला पॉइंट बना दिया, ये दसवें का दूसरा पॉइंट बना देते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ये होता है 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ दें, इंटीरियर अंदर वाले, उनकी जोड़ होती है 360 और ट्राइंगल की होती है 180। एक बात इसमें और सीख लेते हैं, हमें कई बार जरूरत पड़ती है, कभी किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो है कि किसी पॉलीगन के किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि किसी बहुभुज के पॉलीगन का मतलब जिसकी साइड्स चार से ज्यादा हो। वैसे ये जो क्वाड्रिलेटर में काम कर जाएगा और ट्रायंगल में काम कर जाएगा, लेकिन पॉलीगन का मतलब बेसिकली होता है जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, अब 5 कर दिया, 6 भी हो सकती है। तो इसके जो सम होते हैं सारे एंगल्स के, इसका एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल मैन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो 2 3 6 -4 2 इंटू 90 180 डिग्री, क्योंकि होता ही है। देखिए ये ना, हमने कहा था ट्राइंगल के अंदर ये 180 होता है। अब इसको 4 कर दूं तो क्या बन जाएगा, चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल। 2 4 8, 8 में 4 गए तो 4 इंटू 90 360, जो कि होता ही है, ये लिखा चुका हूँ आपको मैं। ये बहुत काम है, कई बार आपको एंगल 5 देते हैं, कभी 6 देते हैं, कभी 7 देते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये जरूरत पड़ेगी, तो आपको मैंने एडवांस में लिखा दिया। पेज नंबर 6। तो अपने ये सभी बात जब हो गई, अब हम बात करते हैं अगली। अब तक पॉइंट हो गया हमारे 10, ये पॉइंट करते हैं 11। देखिएगा ये पॉइंट जो है, छठा पेज जो है, और जो 11 पॉइंट है इस वीडियो का जो अभी देख रहे हैं, इसका ये लास्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो आप भी थक जाएंगे सुनते सुनते। तो मेरे जो वीडियोज होंगे उसकी जो अवधि होगी, उसका जो टाइम होगा, वो नॉर्मली आधा घंटा से एक घंटे के बीच में हुआ करेगा। नाउ संबद्ध कोण, संबद्ध कोण या संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। असल में अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डिप्लोमा की मैथमेटिक्स यहीं से शुरू होती है तो गलत नहीं होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो मैथमेटिक्स है वो शुरुआत यहीं से हो रही है। अब तक जो हमने पढ़ा ना वो सब पिछली बातें थी, शुरुआत आप यहीं से हो रही है। टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि एलाइड एंगल होते क्या हैं? हम संबद्ध कोण, ये संबंध मत बोलना, कई बार बच्चे बोलते संबंध कोण, नॉट संबंध, संबद्ध, जुड़ा हुआ, एलाइड, यानी जो हमारे जो मुख्य कोण होते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा, उसको अपन कहते हैं संबद्ध कोण।
जैसे मान लीजिए हमने कह दिया पहला थीटा कह दिया, फिर कह दिया हमने 90 माइनस थीटा, फिर कह दिया 90 प्लस थीटा, फिर कह दिया 180 माइनस थीटा, फिर कह दिया 180 प्लस थीटा, फिर कह दिया 270 माइनस थीटा, फिर कह दिया 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सब डिग्री है, 90 डिग्री, फिर 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर हमने कह दिया 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर हमने कह दिया एन गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर कह दिया एन गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर हमने कह दिया माइनस थीटा। इतने सारे हमने बता दिए, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्रकार के हमने बता दिए एलाइड एंगल्स। यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। यहां लिख देता हूं क्वाड्रेंट, हम क्वाड्रेंट की बात पहले कर चुके हैं, तो ये लाइन खींच देते हैं। देखिएगा थीटा, हम ये मान के चलते हैं जो थीटा हम कह रहे हैं वो एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, हमने इसको माना हुआ है एक्यूट एंगल, यानी कि 0 से 90 के बीच में, और प्लस थीटा है, यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक साइड में और एक फिगर बना देता हूँ समझाने के लिए। देखिए क्या होता है, ये जैसे आपके वो एक्सिस थे इस प्रकार से, कोई एक लाइन है रिवॉल्विंग, ये लाइन है रिवॉल्विंग जो ऐसे रोटेट करती है, घूमती है, तो लाइन जब घूमेगी तो कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, कभी सेकंड में होगी, कभी थर्ड में होगी, कभी फोर्थ में होगी, इस तरह से ये घूमती रहेगी, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर आगे और घूम सकती है, दो चक्कर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने चक्कर काट सकती है। अगर हम कहते हैं कि ये लाइन ऐसे घूम रही है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और अगर हम ये कहते हैं कि लाइन ऐसे घूम रही है, यूं ऐसे घूम रही है, इसे कहते हैं नेगेटिव एंगल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में एंगल पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और घड़ी की दिशा में एंगल को कहते हैं नेगेटिव। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, इसको कहेंगे प्लस 30 डिग्री, ये माइनस 30 डिग्री, अगर बराबर 30 डिग्री है तो थीटा यानी कि हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कुछ कम, 90 से कुछ कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना, फिर 90 से कुछ ज्यादा, ये 90 से कुछ ज्यादा किस में आ गए, सेकंड में आ गए, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, 90 से कुछ ज्यादा यानी कि सेकेंड। 180 माइनस थीटा, 180 कैसे होता है, यहां तक होता है ना पूरा 180, इससे कुछ कम, 90 में कुछ जोड़ो या 180 में कुछ घटाओ, रहेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकेंड ही है। फिर 180 प्लस थीटा, 180 से कुछ ज्यादा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 270 माइनस थीटा, देखो 0, 90, 180, 270 यह होता है, उससे कुछ कम यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो 360 माइनस थीटा, 360 का मतलब क्या होता है, ये लाइन घूम गई पूरी, ये 360 पूरा चक्कर लगा लिया, फिर माइनस यानी कि वापस उल्टी आई, तो कौन सा हो गया, ये भी फोर्थ ही होगा। 360 प्लस थीटा, ये वापस फर्स्ट हो गया। देखिए ये थीटा
और ये 3 साल प्लस थीटा वन एंड सेम थिंग। हम अगर कोई लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट रखते हैं उसके बाद मैं चाहे इसको 1000 चक्कर लगा दो फर्स्ट में रहेगी। अब यहां देखिएगा इसका मतलब समझो, एन क्या है? एन कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हम अगर इसको यू घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस हो जाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो माइनस हो जाएगा। हम चाहे कितना भी चक्कर लगा लें किसी लाइन को, 360 डिग्री मतलब एक चक्कर होता है, जैसे ही 360 डिग्री एंगल बनेगा ना वो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो कितने भी चक्कर लगा लो लाइन घूम के वापस वहीं आएगी। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि मैं एन गुणा 360 को भूल जाऊं कुछ समय के लिए, तो क्या हो गया? माइनस थीटा। और माइनस थीटा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। देखिए मैंने कहा ना इसको एक्यूरेट एंगल है ये, तो फोर्थ हो गया, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको भी आप एन इंटू 360 को भूल जाओ कुछ समय के लिए, तो प्लस थीटा, ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये वापस आ गया माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको अगर संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन सा एलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्योंकि तो अभी आर्टिकल हमारा चल रहा है तो पॉइंट नंबर पेज नंबर 7 वही पॉइंट चल रहा है अभी हमारा, अभी हमारा वही पॉइंट चल रहा है। अब देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे एस, यहां लिखूंगा टी, यहां लिखूंगा सी। देखिए ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। एस, एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉस, तो साइन एंड कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। टी, टी का मतलब टेंजेंट, टेन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और सी, सी का मतलब क्या होता है? कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई एंगल एलाइड एंगल जब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पहले चतुर्थांश में होता है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सारे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है सेकंड में, तो उसका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अगर थर्ड में आता है तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ में आता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। हम इसको भी डीप में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, समय की कमी, हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसको नहीं पढ़ पाएंगे। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस लेके इजीली कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बीच में नहीं जाएंगे। तो ये कंसेप्ट जो आपको बताया मैंने, पहले तो ये बताया था मैंने कि भाई संबद्ध कोण होते क्या है और कौन सा संबद्ध कोण कौन सा एलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अब एक बार क्वाड्रेंट जो पता पड़ जाए तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, उसकी बात हमने की। एक बात अभी और करेंगे कि अगर हम कोई एंगल निकालते हैं, देखिए आपके सामने खूब सारे ये एलाइड एंगल है, यहाँ इसमें देखो एक तो ये 90 माइनस थीटा आ रहा है, एक 90 प्लस थीटा आ रहा है ना, एक ये 270 माइनस थीटा आ रहा है, एक 270 प्लस थीटा आ रहा है, ये चार 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ये चार जो रेशियोज है, ये चार जो एलाइड एंगल्स, इनकी बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ पहला 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा 90 डिग्री प्लस थीटा, तीसरा 180 डिग्री सॉरी 270 डिग्री माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस थीटा। ये चार केसेस जो है, इन चार केसेस में आपको एक बहुत बड़ी चीज ध्यान में रखनी है।
कि अगर हम इसका साइन लेते हैं, मैं इन चारों की बात कर रहा हूं, अगर साइन लेते हैं उसका आंसर कॉस में आएगा, ध्यान रखना, और कॉस लेते हैं उसका आंसर साइन में आएगा। हम जैसे इसकी कॉस लेते हैं तो उसका आंसर साइन में आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अगर टेन की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट में आएगी, और कॉट की निकालते हैं तो टेन में आएगी। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अगर हम सेक की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर कोसेक में आएगा, और कोसेक की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर सेक में आएगा। ये आपको याद रखना है। वैसे तो ये देखा जाए तो आपने क्लास टेन में पढ़ा होगा ये 90 का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन अभी आपको तो समझ नहीं, अगर 90 या 270 आ जाए, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक बन जाएगा। अब अगर आपको ये तीन बातें समझ में आ गई हैं, कौन सी, पहले तो एलर्ट एंगल क्या होते हैं और कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरी किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, और उसकी अगली बात कि 90 या 270 का केस तो नहीं आ रहा है, अब आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे निकालना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को साइन 180 प्लस थीटा निकालना है। अब देखिए कितना आसान से काम होता चला जा रहा है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वन मार्क्स के अंदर इस प्रकार के, साइन 180 प्लस थीटा। एक बात समझिएगा, इसमें कोई 90 तो नहीं आ रहा है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं 90 या 270 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 180 आ रहा है। तो इस केस में साइन साइन ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 90 या 270 आता है तो साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक बनेगा, अदरवाइज जो है वैसा वैसे ही रहेगा। तो चूंकि इसमें 90 270 नहीं आ रहा है तो इसका आंसर साइन ही आएगा, साइन डिले होगा। लेकिन अब साइन क्या होगा, व्हाट इज द इसका साइन, माइनस होगा प्लस होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा, ये देखिएगा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया मैंने आपको, तीसरा ये टी यानी टेन पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, और ये क्या है साइन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना आसानी से हमने फॉर्मूला याद कर लिया, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर मैं कहता हूं मान लीजिए कॉस 180 माइनस थीटा, इसमें भी 90 270 नहीं आ रहा, आंसर तो कॉस में ही आएगा। नाउ कौन सा क्वाड्रेंट है ये, देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये देखिएगा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में क्या होता है, ए एस, एस मतलब साइन पॉजिटिव होता है, ये क्या है कॉस, ये भी नेगेटिव होगा, कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। अगर मैं कहूं आपसे कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, फिर देखिए 180 है तो आंसर तो कॉस में ही आएगा। मैं कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 180 प्लस, ये रहा 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में क्या होता है ए एस टी, टेन प्लस होता है, टेन और कॉट, ये क्या कॉस है, तो माइनस आएगा। देखिए कितना आसानी से काम हो रहा हमारा, रटने की क्या जरूरत है। मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, इसका निकालना हमको, मान लीजिए अब इसमें 90 आ गया, देखिए 90 आते ही साइन का कॉस बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिएगा, मैंने आपको बता रखा था ए एस, ए एस सेकंड में एस यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन ही है तो प्लस ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं कहता कॉस 90 प्लस थीटा कहता, मान लीजिए तो इसमें 90 आ गया तो कॉस का साइन बन जाएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक प्लस में होता है, ये कॉस है इसलिए माइनस होगा। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, वो कहते सर ये साइन ही तो है, साइन तो प्लस में होता है, और भाई साइन है नहीं, साइन तो हुआ है, था तो कॉस, और वो कॉस था जो साइन में बदला है 90 होने से, तो
तो हम कॉस देखेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है। मान लीजिए टेन 270 प्लस थीटा, इसमें 270 आ गया, 270 आते ही टेन का कॉट बन गया, फाइनली टेन का कॉट बन गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? ए एस टी सी, कॉस, कॉस प्लस में होता है, ये टेन है तो माइनस आ जाएगा। वेरी सिंपल, आप कोई भी निकाल सकते हैं भाई, आराम से निकाल सकते हैं, जो मर्जी निकाल दें। कॉस 270 माइनस थीटा मान लीजिए, फिर ये 270 आ गया तो कॉस का साइन बन जाएगा साइन थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है? ए एस टी, टेन पॉजिटिव होता है, ये क्या है? कॉस, तो माइनस हो जाएगा। मान लीजिए टेन 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 है तो टेन ही रहेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ए एस टी, थर्ड क्वाड्रेंट ए एस टी, यानी टेन, टेन पॉजिटिव और ये टेन ही है तो प्लस ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट सेक 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 आ गया तो सेक का क्या बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस थीटा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या प्लस होता है? ए एस टी, टेन, ये क्या है? सेक, तो ये माइनस हो जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने अब तक जो मैंने पढ़ा है, कुल मिला के 11 पॉइंट कराए आपको, इन 11 पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैंने आपको कुल मिला के 11 पॉइंट कराए थे। ये 11 पॉइंट था टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो मैंने लगभग आधा आपको ये ट्रिग्नोमेट्री समझा दी आपकी, एक बार पूरी समझेंगे खास खास बातें, उसके बाद हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, फिर बड़े सवाल करेंगे। तो आपको, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। देखिए इसको बंद, और ये पहला वीडियो बना है ना, तो प्रैक्टिस नहीं है, इसको बंद तो करना पड़ेगा।